दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। लेट्स गो दिखा। तो अभी हमने इधर डोसे का जो बैटर होता है उसे बनने रखा है, एंड ये फूलेगा उसके बाद होगा। एंड अभी हमने एक पैन रखा है जिसमें हम करेंगे क्या बनाएंगे, इसमें हम मसाला बनाएंगे जो डोसे के अंदर होता है। और ये है हमारे पास आलू, ये बॉइल्ड आलू है देख सकते हो आप, जो हम अभी इसके अंदर डालेंगे। एंड आपको बताती हूँ मैं कैसे कैसे होगा, उसके बाद आपको डोसा भी बना के दिखाएंगे कैसे बना। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, तो तेल अभी हम अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद तो अब हम इसके अंदर डाली राइस, तुमने दिखाया तो दिया नहीं। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, अभी हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे, एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या मसाला डल रहा है। तो अभी हम इसे सिकने देते हैं। डालो। सबसे पहले हमने इसमें डाली लाल मिर्च और क्या, और अच्छे से अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। हल्दी से कितना प्यारा सुनहरा सा। अब क्या डाला है दीदी आपने? धनिया पाउडर डाला है अब हमने गाइस, और थोड़ा सा और धनिया पाउडर। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये आपको क्वांटिटी की आपको खुद से देखनी पड़ेगी, जितना आपका डोसा है उतने हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छे से कुक। अब हम इसमें चिकन मसाला डालेंगे, चिकन मसाले से फिर अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाले से अधिक स्वाद बढ़ेगा। एंड अब हम इसे थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद इसके अंदर डालेंगे आलू, मैश किए हुए आलू। तो गाइस ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा, एंड बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हम इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। अब हम तैयारी करेंगे सांभर की, तो इसलिए हमने कुछ ये दाल ले लिए। तो गाइस अब हम सांभर बनाएंगे, तो सांभर बनाने के लिए इधर हमने घिया काट लिया है सारा, और ये अभी हमने कुकर लिया है जिसके ये सारी अभी मैंने दाल डाली है कुकर में। अब हम इसके अंदर घिया डालेंगे गाइस, अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे अपने मुताबिक, नमक स्वाद अनुसार हल्दी मिला के देखते हैं। अब हमें इन्हें 2-3 सीटी लगाने के लिए छोड़ दो, एक मिनट। तो गाइस ये हो चुका। गाइस अब हम आपको सांभर बताएंगे, तो सबसे पहले आपको पैन में ऑलिव ऑयल या तो मस्टर्ड ऑयल डाल लो, एंड उसके बाद हम डालेंगे कुछ क्या नाम है ये क्या बोलते हैं ना, राई ऐड करेंगे। देन राई के ऐड करने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, एंड प्याज के बाद हम इसमें अभी कुछ और मसाले भी डालेंगे। राई आपने बनने दी थी गाइस, आप पका लेना राई को क्योंकि हमने तो नहीं बनने दी है। और अब हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, नहीं आप इसे सौते हो जाने दो, उसके बाद हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने देना है, एंड इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर ऐड करिए गाइस। अब आप इसके अंदर ऐड करें टमाटर, एंड इन्हें काफी बढ़िया तरीके से सौते हो जाने देना है। अच्छे से सौते करेंगे गाइस हम, एंड इसके अंदर स्वाद अनुसार हम ऐड करना है आपको नमक थोड़ा सा, आप मतलब आपकी जितनी खाने की क्वांटिटी है उससे हिसाब से आपको नमक ऐड करना है। देना हम ऐड करेंगे लाल मिर्च के बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर के बाद इसमें हम ऐड करेंगे सांभर मसाला, कि आपको कोई भी कहीं दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो वहाँ से आप ले सकते हो, और नहीं अगर अवेलेबल हो रहा तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। इधर मैंने 2 पैकेट डाले हैं क्योंकि हमारा सांभर ज़्यादा है, अगर आपका सांभर कम है तो आप 1 पैकेट भी डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कितने ज़्यादा यम्मी दिख रहे हैं गाइस, आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि ये चिल्ली पटाटर है बट ऐसा नहीं है, ये चिल्ली पटाटर नहीं है। देन गाइस अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन मसाला, जो आप डाल सकते हो, आप पे डिपेंड है कि आपको मिर्ची वाला खाना है तो मिर्ची वाला डाल सकते हो, और नहीं खाना तो नहीं डाल सकते हो, ये तो आप पे डिपेंड है। एंड अच्छे से आपको हिलाते रहना है इसे। देन इसके बाद हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करना, और अच्छे से आपको भूनते रहने देना है, परफेक्टली अगर ये भूनेगा नहीं तो ये चलेगा नहीं। अच्छे से थोड़ा सा इसमें आपको कहीं पानी ऐड करना है, एंड थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा नहीं देना,
नहीं। एंड गाइस अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी। अगर उसकी आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि वो मैंने कैसे बनाया है, एंड देख सकते हो आप। एंड दूसरी तरफ इधर मैंने जो हमने उबाले थे उसे अच्छे से पीसना है, देन हम इसे एक कंटेनर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम इसमें इसका तड़का जो हमने लगाया है वो डालेंगे। तो गाइस इधर हमारा सांभर जो है वो एकदम रेडी हो चुका है, एंड देख सकते हो आप इसकी कंटेस्टिंग से एकदम सांभर वाली है। एंड ये हमारा अंदर का बैटर रेडी है, और ये हमारा डोसे का बैटर है जो हमने पूरे एक घंटे के लिए फुलाने के लिए रखा था, एंड ये काफ़ी बढ़िया से फूल भी चुका है। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको डोसा कैसे बनाना है, लेट्स गो। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट डोसा रेडी हो गया है, एंड कमेंट्स में बताओ कैसा लग रहा है। तो गाइस इधर ये हमारा डोसा बन चुका है, कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है। गाइस मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड मेरे को कमेंट भी करना। मिलती हूँ, बाय बाय।